कॉमनवेल्थ मेडल्स, 2 एशियन गेम्स मेडल्स, 3 बार ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अब टोक्यो ओलंपिक्स में अपना कौशल प्रदर्शित करने को तैयार। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी कथन को ओलंपिक्स के मैदान में दमदार अंदाज में प्रस्तुत करने निकले हैं 9 बार सीनियर नेशनल चैंपियन रहे शरत कमल अजंता। 12 जुलाई 1982 को चेन्नई में पैदा हुए शरत को टेबल टेनिस भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने इस खेल में अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी अपने अथक परिश्रम से बनाई। एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेकंड प्लेस्ड प्लेयर्स में हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर बनकर शरत कमल ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की की। Thanks to the government support and the infrastructure that's being built around us, we are doing extremely well. I think we are doing really, really fine. अपनी विश्व स्तरीय उपलब्धियों के कारण भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत शरत कमल अजंता हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।